जय हिंद एवरीवन, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट सेशन ऑफ बायोलॉजी। हां जी, एकदम लास्ट सेशन होने वाला है। फाइनली जिसने भी स्टार्टिंग से लास्ट तक अभी तक पूरे सेशन लगाए हैं, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं भाई तुमने बायोलॉजी में झंडे गाड़ दिए हैं। ठीक है, जितने भी कई लोग हैं उनने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखे होंगे। तुम लोग बोल रहे होंगे भैया पूरा का पूरा क्लास सही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेवल एकदम ये है और नोट्स का लेवल ये है, सारी की सारी चीजें मैंने तुमको याद करा दी थी। अब ये जो लास्ट सेशन है बायोलॉजी का, कई लोग सोच रहे होंगे भैया आपने रिप्रोडक्शन नहीं बताया और सेकेंडली डिसीजेस नहीं बताई है। इनका मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, जैसे कि मैं सारे के सारी क्लासेस के नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं उसी तरीके से उन दो के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से गो थ्रू कर सकते हो। क्योंकि वो जो चीज है इतनी लाइन बाय लाइन गिवन है कि उसमें बताने की ऐसा कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके पहले देखो, इसका जो ओवरऑल नाम है इसको डायवर्सिटी कहा जाता है, और इसको ना बहुत ज्यादा जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल मैथ्स का स्टूडेंट है, मैं जैसे कॉमर्स का स्टूडेंट था, ठीक है, और भी जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट है, बहुत घबराते हैं कि भैया इतना ज्यादा याद करना पड़ता है। तो ये पूरे में मैंने इस तरीके से इसको डिजाइन करा है, इस तरीके से डिजाइन करा है कि पूरा का पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैंने आपको डिस्क्राइब कर देना है पूरा का पूरा। ठीक है, आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा और ठीक उस प्रकार से पढ़ाऊंगा जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बेसिकली जितनी पूरी की पूरी जो हमारी अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। यू कैन सी प्लांट प्रेजेंट है, ठीक है, आप देखो एनिमल्स प्रेजेंट है, ह्यूमंस प्रेजेंट है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ही तो हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिज्म है। तो पहले से जो जितने भी बायोलॉजिस्ट थे ये क्या कोशिश कर रहे थे कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करो। कैसे? जैसे प्लांट अलग हो गए, एनिमल अलग हो गए, ह्यूमन अलग हो गए, सारे के सारे अलग हो गए, तो इनको अलग करने की प्रोसेस हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी, किस तरीके से अलग हुए, किस तरीके से कैटेगराइज करा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, और डाइवर्सिटी इसी को कहा जाता है। और ये पूरी की पूरी चीजें आपको टिप पर याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, आगे से देखो, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, जो बायोलॉजिस्ट है जैसे कि अर्नस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर और कार्ल हूस, इनके नाम देखना, ये जो बाद के दो वाले रॉबर्ट विटेकर और कार्ल हूस इंपॉर्टेंट है। इन्होंने दे हैव ट्राइड टू क्लासिफाई ऑल द ऑर्गेनिज्म इनटू ब्रॉड कैटेगरीज कॉल्ड किंगडम। इन्होंने बहुत कोशिश करी उनको काय में डालने के लिए, किंगडम में डालने के लिए। फाइनली एक बंदे थे रॉबर्ट विटेकर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई, ये इंपॉर्टेंट शख्स है। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने पांच किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया, और यहां से एनडीए क्वेश्चन पूछ सकता है, और एक दो क्वेश्चन पहले पूछे भी हैं, और बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, तो आप भी तैयार रहो। ठीक है, पुट योर सीट बेल्ट ऑन। तो ये जो रॉबर्ट विटेकर है, इन्होंने पांच किंगडम दिए, कौन कौन से दिए मेरी बात ध्यान से सुनना, एक तो दो तो आपके अलग कर दो, एक प्लांट अलग कर दो, एक एनिमेलिया अलग कर दो। अब बचे हुए जो तीन है, मतलब स्टार्टिंग के तीन, वो कौन कौन से, मुनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, मुनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई। अब मैंने स्टार्टिंग के सेशन में आपको बहुत सारी चीजें याद करवाई थी, यदि आपके दिमाग में होगा तो। देखो यहां पर रॉबर्ट विटेकर ने क्लासिफिकेशन को पांच कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, मगर यहां पर एक बंदे थे कार्ल हूस, उन्होंने क्या करा, ये जो पहला वाला किंगडम है मुनेरा, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करा, आर्किया और बैक्टीरिया, आर्किया और बैक्टीरिया, दो कैटेगरी में डिवाइड करा। तो फाइनली मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाए, प्लांट और एनिमेलिया, ये सारे के सारे किंगडम है, किसने दिए, रॉबर्ट विटेकर भैया ने दिए हैं। अब यहां पर एक कार्ल हूस नाम के भैया, छोटे भैया है, इन्होंने क्या करा, वो जो आपका मुनेरा है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक था आर्किया और एक था बैक्टीरिया। तो यदि तुमसे पूछे बैक्टीरिया काय में आता है, ये आता है मुनेरा में, यदि पूछे आर्किया काय में आता है, वो आता है मुनेरा किंगडम में। ठीक है, अब यहां पर क्लासिफिकेशन, जैसे आप इंडियन आर्मी में देखोगे लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, ऐसा कर करके पूरी के पूरा यहां पर हायरार्की बनी हुई है। इन द सेम मैनर यहां पर क्या है, किंगडम है, फिर यहां पर फाइलम और डिवीजन, दोनों क्यों है मैं आगे बताऊंगा, डोंट वरी, मैं हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके बाद आता है क्लास, आता है ऑर्डर, आता है फैमिली, आता है जीनस, आता है स्पीसीज, आता है। एक बात मैं आपको बताऊं, एक बात बता रहा हूं, ये जो अरेंजमेंट वाले, ये जो ऑर्डर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ये डिफेंस एग्जाम में बहुत, मतलब कि जाने माने क्वेश्चन है, बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, आपको सीडीएस में देखने को मिलेंगे, आपको एफकेट में देखने को मिलेंगे, आपको एनडीए में देखने को मिलेंगे, और इनके ऊपर आपको कमांड बनाकर रखनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर जैसे कि मैं जो अपना क्विज ग्रुप है वहां पर एन नंबर ऑफ क्वेश्चन आई हैव अपलोडेड इन इन, मतलब इन्हीं के ऊपर जो बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन है मैंने वहां पर डाल दिए, आप वहां से देख सकते हो। ये वाला आप याद करके चलना, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। ठीक है, याद करने की पूरी कोशिश करो, नहीं होगा तो एक ट्रिक बनाकर शॉर्ट वीडियो पर डाल दूंगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब अपन ने क्या करा, अपन ने देखा रॉबर्ट विटेकर ने पांच किंगडम दिए, तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, जेंटलमैन, स्टडी करते हैं ना उनको, स्टडी करते हैं क्या है पांच किंगडम। तो देखो पांच किंगडम, पहले आप दो देखो जिससे आप बहुत ज्यादा गो थ्रू कर सकते हो, कौन कौन से, फाइव किंगडम्स बाय विटेकर, इसमें दो देखो, एक देखो प्लांटी और एक देखो एनिमेलिया, फॉर द टाइम बीइंग दो देखो। सभी को पता है कि प्रोकैरियोट मतलब प्रिमिटिव पुराना, यूकैरियोटिक मतलब डेवलप्ड, है ना, तो प्लांट और एनिमल दोनों के दोनों डेवलप्ड है, यूकैरियोट है दोनों। ठीक है भैया, समझ में आ गया। दूसरी बात,
ये जो प्लांट और एनिमल है ये मल्टीसेलर बॉडी, आप देख सकते हो सिंगल सेल से नहीं बने, कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं दोनों के दोनों मल्टीसेलर। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, प्लांट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने के लिए सेल वॉल होती है, और सेल वॉल कैसे मिलती है कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, ठीक है। और एनिमल में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, एनिमल हेटरोट्रॉपिक है और प्लांट ऑटोट्रॉपिक है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊं याद करने के लिए, देखो बस एक किंगडम ऐसा है जो कि प्रोकैरियोट है ना, जो कि प्रोकैरियोटिक है, बाकी के जो चार किंगडम है वो यूकैरियोटिक है। अब वो कौन सा है पता, लाइंस है, पहला वाला प्रोकैरियोटिक है, बाकी के आप देखोगे यहां पर ये यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक, समझ में आया। अब एक और चीज बताऊं आपको, कोई दो, सुनो ध्यान से, कोई दो जो है ना वो दो तुम्हारे क्या है, यूनिसेलुलर है। वो जो दो है वो दो क्या है, यूनिसेलुलर है। ध्यान से देखो, वो जो दो है वो दो क्या है, यूनिसेलुलर है। बाकी के जो तीन है वो तीन क्या है, मल्टीसेलुलर। दिखा कर बताऊं, ये देखो यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। बाकी के बचे हुए तीन कौन से है, ये है आपके फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, तीनों की तीनों मल्टीसेलुलर। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अब सुनो, सेल वॉल का एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मुनेरा है, मुनेरा में कुछ मुनेरा में सेल वॉल होती है, कुछ में नहीं होती है। अब ये जो प्रोटिस्टा की सेल वॉल है ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, प्रोटिस्टा के पास सेल वॉल होती है मगर इनके पास सीलिया और फ्लैजिला होते हैं, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं सीलिया और फ्लैजिला, और ये किसमें, प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। फंजाई की देखोगे ना, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों, क्योंकि फंजाई की, फंगी बोल दो, फंजाई बोल दो, कुछ भी बोल दो भाई, आपका पेपर है एमसीक्यू वाला, जो बोलना है बोल दो। फंगाई की जो सेल वॉल होती है ना ये बनी होती है काइटिन से, ये काइटिन से बनी होती है, दिमाग में रखना एकदम, दो स्टार लगा लो ऑफ लेफ्टिनेंट वाले, इतना इंपॉर्टेंट है ये। और प्लांटी के पास सेल वॉल यहां नहीं होती, ये ऑलरेडी याद करवा दिया था। हेटरोट्रॉपिक्स, फंजाई अपना फूड कभी खुद बनाते ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आप देखो मोल्ड्स, ब्रेड मोल्ड्स आपने देखा होगा, ब्रेड को बाहर रख दो फंजाई जम जाते हैं। मशरूम, ईस्ट, ये तीनों के तीनों एग्जांपल एक ही कैटेगरी के हैं, तो आप फंजाई के अंदर इनको रख सकते हो। प्रोटिस्टा के अंदर यदि आप बात करोगे तो देखो, मैंने आपको एक चीज याद करवाई थी जब अपन यूनिसेलुलर की बात कर रहे थे, मैंने क्या याद करवाई थी कि तीन तीन के एग्जांपल बनाकर याद कर लो, कौन कौन से। मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे ये बोला था कि पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम युगलीना, तीन। अब अमीबा, पैरामीशियम युगलीना ये प्रोटिस्टा के एग्जांपल है, इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि फॉलो यदि कर रहे हो ना तो अच्छे से करो, ठीक है। सारी की सारी चीजें आपको टिप पर प्रेजेंट होंगी। फिर एक और एग्जांपल मैंने आपको याद करवाया था, तीन, एल्गी, प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, वो भी क्या थे, वो भी यूनिसेलुलर थे। तो बैक्टीरिया यहां पर आ गया, और जो यहां पर ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया। देखो ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, याद रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी इज नोन एज साइनोबैक्टीरिया, याद रखना। और बैक्टीरिया यहां पर मुनेरा में है। तो जो तुम्हारे एल्गी और प्रोटोजोन्स थे वो प्रोटिस्टा है, इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों भैया यूनिसेलुलर है, क्योंकि दोनों के दोनों आपने स्टार्टिंग में याद करवा दिए थे। दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पांच किंगडम थे विटेकर भाई ने दिए थे अपने को, बस मुनेरा के एग्जांपल याद रखना, क्या बोल रहा था, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा में अमीबा, पैरामीशियम युगलीना, और एल्गी और प्रोटोजोन्स, फंजाई में ईस्ट, ब्रेड मोल्ड्स और मशरूम, और प्लांट में सारे प्लांट, एनिमल में सारे एनिमल इंक्लूडिंग यू। मजाक कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखो, द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको कहा जाता है लाइकन्स। यार यहां भाई, ये मैं अपने पेड बैच में पढ़ा रहा था, एक स्टूडेंट था वो बोल रहा था कि यहां तो फंजाई है वो भी रिलेशनशिप में आ गया और हम अभी तक सिंगल है, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, ठीक है, यू गो टू एनडीए, एनडीए जाओ, आपको डेफिनेटली विल गेट अ परफेक्ट पार्टनर आफ्टर दैट, ठीक है। यहां पर देखो, फंगस और ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है, दोनों को इसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। तो फंगस और ब्लू ग्रीन एल्गी का जो सिम्बायोटिक रिलेशन है इसको क्या कहा जाता है, लाइकन्स कहा जाता है, याद रखना दिमाग में, इसको हम लोग बोलते हैं लाइकन्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कैप्टन वाले स्टार लगा लो तीन। अब आगे देखो प्लांटी, ठीक है, प्लांटी क्या होता है। अब हमने काय का स्टडी करी, हमने पूरे के पूरे पांच किंगडम का स्टडी कर लिया। अब दो उसमें मेजर है, प्लांट है और एनिमल है, उन दोनों को पढ़ेंगे, खेल खत्म। प्लांटी के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं बढ़िया तरीके से। प्लांटी में पांच किंगडम आते हैं भाई। अब सुनो, यहां पर दो चीज मैंने बताई थी, एक होता है प्लांट किंगडम, ठीक है, एक है प्लांट किंगडम, ठीक है, और एक है एनिमल किंगडम, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक है एनिमेलिया किंगडम। प्लांट किंगडम में जो भी चीजें आएंगी उनको बोलेंगे किंगडम, ठीक है, इनको कहा जाएगा किंगडम, ठीक है। एनिमेलिया में जितने भी इसके सब टाइप्स आएंगे इनको कहेंगे फाइलम, इनको क्या बोलेंगे, फाइलम। तो इसलिए मैंने ऊपर क्या लिखा था, यहां पर देखो, यहां पर लिखा था ना, यहां पर लिखा था मैंने फाइलम, और यहां पर लिखा था क्या, डिवीजन, सॉरी उनको कहा जाएगा डिवीजन, या यहां पर इनको कहा जाएगा डिवीजन, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, यहां पर हम लोग इनको क्या कहेंगे, डिवीजन। ये है क्या आपके, डिवीजन, ये है डिवीजन। तो यहां पर डिवीजन है और फाइलम। स्टार्टिंग में हमने किंगडम डिवाइड करे, किंगडम काय में डिवाइड हुए, प्लांट को बात करोगे तो डिवीजन, एनिमल के टाइप की बात करोगे तो फाइलम, दैट्स इट। अब सुनो मेरी बात, अब अपन बात करने वाले हैं प्लांटी के, ध्यान से सुनना, बस पांच चीजें हैं प्लांटी में, याद कर लो,
थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। बात खत्म, वापस से, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, पहले इन तीन को स्टडी करते हैं। हाँ जी भैया, स्टडी करते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनोगे ना, सारी चीजें समझ में आएंगी। थैलोफाइटा की जो बॉडी होती है ना, वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती, वेल डेवलप्ड बॉडी नहीं होती है, बिल्कुल भी बॉडी नहीं होती। अब आप थोड़ा सा डेवलपमेंट ब्रायोफाइटा में देखोगे, क्या इनकी जो बॉडी है इतनी कहां तक डिफरेंशिएटेड होती है? डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर तक ये डिफरेंशिएटेड होती है। टेरिडोफाइटा की यदि आप बात करोगे ना, ये एकदम वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है। यहां पर इट इज डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म रूट भी होती है, स्टेम भी होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी होता है। तो थैलोफाइटा में कुछ भी नहीं, ब्रायोफाइटा में कहां तक डिफरेंशिएटेड होती है? स्टेम और लीफ तक। टेरिडोफाइटा में स्टेम भी होता है, लीफ भी होता है और तुम्हारे रूट्स भी होते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब यहां पर इनको और क्या कहा जाता है उसकी कैटेगरी से याद करो। थैलोफाइटा को एल्गी कहा जाता है, इस ग्रुप में जितने भी प्लांट्स आते हैं उनको एल्गी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को बताऊं इसको क्या कहा जाता है, इट इज नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। पीवाईक्यू में पूछा हुआ है ये, ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। और ये हर एक पॉइंट जो लिख रहा हूं ना, कोई आपके बड़े भैया दीदी होंगे, उनसे आप जाकर पूछोगे ना कि क्या भैया एसएससी का एग्जाम होता है, आरबीआई का एग्जाम होता है, बैंक का एग्जाम होता है, ठीक है, जीडी का एग्जाम होता है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, क्या उनमें ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते, बिल्कुल पूछे जाते हैं, और वहीं से कई बार एनडीए के क्वेश्चन पूछ, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये मेरा। ठीक है, जो टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल है मर्सिलीज, फर्न्स, हॉर्सटेल। अब सुनो मेरी बात, इसके एग्जाम्पल थैलोफाइटा के एग्जाम्पल याद रखना। तुम कभी भी वहां पर उतरे होगे, देखो पहली बात तो थैलोफाइटा प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, तो पानी में जाने वाले, तो पानी में जब जाओगे तो आपको कुछ ग्रास टाइप का मिलता है, चारा कहा जाता है, तो वही चारा, स्पायरोगायरा, क्लैडोफोरा आर दी एग्जांपल ऑफ थैलोफाइटा। याद करा दिया, चारा, स्पायरोगायरा। ठीक है, ब्रायोफाइटा में ओ आ रहा है, यहां पर ओ मतलब की मॉस, मॉस और फ्यूनेरिया इसके एग्जाम्पल्स है। मेरी बात सुनो, यहां पर ब्रायोफाइटा, ठीक है, ये जो ब्रायोफाइटा है ना, इनके पास वस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम पर्टिकुलर जाइलम की बात कर रहे हैं हम यहां पर। दे डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, मतलब वाटर को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करने के लिए इनके पास जाइलम नहीं होता है। जाइलम एक वस्कुलर टिश्यू है, फ्लोएम भी होता है, मगर पर्टिकुलरली ब्रायोफाइटा में जाइलम नहीं होता है। ठीक है, तीनों की तीनों कहानी आपको क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। भैया अलग अलग इनको क्यों करा, इनको अलग करने का कारण पता क्या है? जो स्टार्टिंग के तीन थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इनको कहा जाता है क्रिप्टोगेम्स। इनका क्रिप्टो, क्रिप्टिक वर्ड तुमने सुना होगा, क्रिप्टिक वर्ड्स, क्रिप्टिक का मतलब पता क्या होता है? क्रिप्टिक का मतलब होता है हिडन, क्रिप्टिक का मतलब होता है हिडन। इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं? हिडन होते हैं। फेनेरो का मतलब क्या होता है? यहां पर विजिबल है, मतलब विजिबल इन द सेंस की यहां पर प्रेजेंट तो होते हैं, मतलब प्रेजेंट होंगे क्या यहां पर? रिप्रोडक्टिव जो इनके ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो यहां पर प्रेजेंट होते हैं और वहां पर नहीं होते हैं। अब फेनेरोगेम्स की दो कैटेगरी, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। देखो अभी आप ये पूरा सेशन कंप्लीट करो, इसके बाद यूट्यूब पर एक मेरी शॉर्ट वीडियो है जिसमें मैंने इनकी ट्रिक बताई है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को याद करने की। आप क्या देखो, एंजियोस्पर्म याद करो, यहां पर एनजीओ का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो ध्यान से देखो, एंजियोस्पर्म को कहा जाता है फ्लावरिंग प्लांट, इनको कहा जाता है फ्लावरिंग प्लांट। इन फ्लावरिंग प्लांट में होते हैं कॉटिलेडन जिनको सीड लीव कहा जाता है। यदि एक कॉटिलेडन होगा तो मोनोकॉट, यदि दो कॉटिलेडन होंगे तो डाइकॉट। जिम्नोस्पर्म का मतलब, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। जो जिम्नोस्पर्म्स होता है, दीज आर दी नॉन फ्लावरिंग प्लांट। एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट, एक फ्लावरिंग प्लांट है, एनडीए ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। कैसे याद करें? आप यूट्यूब की मेरी एक शॉर्ट वीडियो डली हुई है ना, वहां पर जाकर देखो, वहां पर मैंने इसकी पर्टिकुलरली ट्रिक बता रखी है। ठीक है, वहां जाके देख लेना, सारी चीजें तुमको गिवन है। भाई इस बार का बेस्ट तो ऐसा, इतनी ट्रिक बता दी है वो टेलीग्राम ग्रुप पर, यहां पर इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, मोर देन 500 प्रैक्टिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तुमको दे दिए जीएस के, रोर एनडीए पर भी करंट अफेयर्स करा रखे हैं, बहुत सारी चीजें बता दी और क्वेश्चन फंसेंगे इस बार। ठीक है, प्लांट किंगडम कंप्लीट कर लिया, अब अपन एनिमल किंगडम की बात करेंगे। यहां पर क्या होंगे? फाइलम। अब यहां पर जो फाइलम होंगे ना, सीड बेल्ट बढ़िया बांध लेना, क्यों? क्योंकि यहां पर जनरली बच्चे कंफ्यूज होंगे और आप नहीं होंगे क्योंकि आप मेरे से पढ़ने वाले हो। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी, हेलमेंथिस, पहले तीन फाइलम कंप्लीट करते हैं। पॉरीफेरा नाम देखो, पॉरीफेरा लाइन से कैसे याद करेंगे? जैसे कि पॉरीफेरा है, इसमें पॉरी से याद आ रहा है पोर्स, पोर्स मतलब कि उसमें क्या होते हैं? छेद होते हैं। तो वहां पर तुमको स्पंज देखा होगा आपने, जो स्पंजेस होते हैं उसमें भी पोर्स होते हैं। अब स्पंजेस हैं तो जनरली ये मरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं, तो कनाल सिस्टम होता है यहां पर, कैनाल सिस्टम यहां पर होता है। कैनाल सिस्टम मतलब पानी अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है पोर्स के थ्रू। तो ये लाइन से यदि आप देखोगे ना, तो पॉरीफेरा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, इनको स्पंजेस कहा जाता है। ये नॉन मोटाइल बॉडीज हैं, ये कैनाल सिस्टम कैरी करते हैं। इसका मतलब क्या है? इनके पास कैनाल सिस्टम होता है, ये इनकी कैनाल सिस्टम होगा और ये मरीन हैबिटेट में पाया जाता है, जैसे कि साइकॉन और स्पंजिला। याद रखना,
साइकॉन इज दी एग्जांपल ऑफ पॉलीफेरा, चारा इज दी एग्जांपल ऑफ ऊपर जो हमने पढ़ा था थैलोफाइटा, ठीक है, साइकॉन इसका एग्जांपल है। अब सिलेंट्रेटा की आप बात करोगे ना, सिलेंट्रेटा क्या है, ऐसे एनिमल विंग जो कि पानी में रहते हैं, भैया ये भी तो मरीन हैबिटेट थे, मगर इनको कहा जाता है नाइडेरिया, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइडेरिया कहा जाता है, और इनकी बॉडी में कैविटी प्रेजेंट होती है, फॉर एग्जांपल हाइड्रा और जेलीफिश, हाइड्रा और जेलीफिश सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया का एग्जांपल है। सीधे पूछेगा नाइडेरिया किस फाइलम को कहा जाता है, सिलेंट्रेटा को कहा जाता है। अब सुनो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है प्लेटी हेलमेंथस, अब सुनो मेरी बात, यहां पर प्लेटी हेलमेंथस लिखा हुआ है, प्लेटी मतलब फ्लैटी, फ्लैटी कहा जाता है क्योंकि इनकी बॉडी फ्लैट है, इसलिए इनको फ्लैटवर्म्स कहा जाता है, इनको फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। दूसरी, इनकी जो बॉडी है वो कंप्लीटली डिजाइंड बॉडी है, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल, मतलब यदि ऐसी बॉडी है दो टुकड़ों में तोड़ोगे तो सिमेट्रिकली डिवाइड हो जाएगी। इनका जो टिश्यूज है, लेयर है बॉडी की, वो थ्री लेयर है जिसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। इसमें कोई भी ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती, कैविटी का मतलब होता है जैसे कि सीलम, कभी भी कैविटी बोलूंगा मतलब सीलम। अब सीलम पता क्या होती है, ये कैसी कैविटी है जिसमें जितने भी वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स हैं उसमें अकोमोडेट किए जाते हैं, रखे जाते हैं, इसको कहा जाता है सीलम, ठीक है। यहां देखो, या तो ये फ्री लिविंग होंगे या तो पैरासाइटिक होंगे, फ्री लिविंग जैसे कि प्लानेरिया, पैरासाइटिक मैंने आपको बताया था लीवर फ्लूक शीप के गले में, ठीक है। तो एक आपको ट्रिक बताऊं, आगे चीजें बस इतना पूछेगा तुमसे, एक सीलम के उस पर आप इनको डिवाइड करोगे, एक आप इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक देखोगे, है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है कि नहीं, इसके बाद आप क्या देखोगे, बायलेटरली सिमेट्रिकल है कि नहीं, आप ये देखोगे बायलेटरली सिमेट्रिकल है कि नहीं, इसके बाद आप एक इनके एग्जांपल याद रखना, और इसको और क्या कहा जाता है, ये बस इतनी चीजें पांच याद है ना, यू हैव डन जेंटलमैन, हो गया आपका काम। यहां पर इसके बाद अपन तीन देखेंगे, नीमेटोड एंड ऊपर क्या देखें, पॉलीफेरा सिलेंट्रेटा प्लेटी हेलमिंथस, अब देखेंगे नीमेटोडा एनिलेट और आर्थ्रोपोडा, एक एक नाम से ये जाने जाते हैं। अब जैसे नीमेटोड है, पता है काय के लिए जाना जाता है, ये जाना जाता है सूडोसीलम, इसके पास कोई ट्रू सीलम नहीं है, कोई ट्रू सीलम इसके पास नहीं है, इसके पास फॉल सीलम है जिसको कहा जाता है सूडोसीलम, इसके लिए ये जाना जाता है, ये चीज के लिए जाना जाता है। बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, फ्लैट नहीं है, क्यों फ्लैट नहीं है, क्योंकि सारे फ्लैट वाले को प्लेटी हेलमेंथस में डाल दिया था, फ्लैटी फ्लैट वर्म्स ये कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। अब देखो यहां पर है फिलेरियल वर्म्स, ठीक है, फिलेरियल वर्म्स का मतलब क्या होता है, एलिफेंटाइसिस, पैर एकदम बड़ा एकदम मोटा हो जाता है ना, वो नीमेटोडा की वजह से होता है, फिलेरियल वर्म वो नीमेटोडा की कैटेगरी में आता है। राउंड वर्म, देखो फ्लैट वर्म उधर आ रहा था, मगर राउंड वर्म और पिन वर्म, फिलेरियल वर्म, ये सारे के सारे नीमेटोडा में आ रहे हैं। ये याद कैसे कर, देखो मैं एक बात बताऊं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं बढ़िया तरीके से आपको बताने की, कोई भी ऐसे नोट्स आपको नहीं देगा, पेड बैच के नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी चीज, आप इनको अपने नोट्स में नोट डाउन करो और बार बार एक बार लिखकर देख लो, तीन एक बार लिखकर देख लो, देखो जरूरी नहीं है लाइन से याद रहा है, एमसीक्यू पेपर है, तीन चार बार रीड कर लोगे एग्जाम में आपको याद आ जाएगा, गारंटी में लेता हूं। एनेलिडा की बात करें, ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक, मगर इसके पास ट्रू सीलम होती है। ये देखो फ्रेश वाटर में भी रहेगा, मरीन वाटर में भी रहेगा और लैंड में भी रहेगा। इसका एग्जाम्पल पता, जो केचुआ होता है ना उससे याद रखना, अर्थवर्म और लीच, ये दोनों के दोनों एनेलिडा है, बस ये इंपॉर्टेंट है, अर्थवर्म काय में आता है, एनेलिडा में आता है। अब जैसे कि नीमेटोडा सूडोसीलम की वजह से जाना जाता था, आर्थ्रोपोडा पता काय के लिए जाना जाता है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल और दूसरा जॉइंटेड लेग, आर्थ्रो का मतलब ही यही होता है जॉइंटेड लेग, जुड़े हुए लेग्स, है ना, जैसे कि, और इनकी जो कैविटी होती है खून से भरी हुई होती है, ब्लड फिल्ड कैविटी। तो तीन चीजें आर्थ्रोपोडा याद रखो, जॉइंटेड लेग, सबसे बड़ा फाइलम कौन सा, आर्थ्रोपोडा है, और इनकी जो कैविटी है वो कौन सी होती है, ब्लड फिल्ड कैविटी होती है, जैसे प्रॉन बटरफ्लाई मक्खी मच्छर स्पाइडर बिच्छू क्रैब केकड़ा ये सारे के सारे इसमें आते हैं, समझ में आया। अब आखिरी के तीन और याद कर लो, बात खत्म। ये है मोलस्का एकाइनोडर्मेटा प्रोटो, देखो जो जो चीज बताऊंगा वो याद करना, बाकी बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक, यार ये तो चलती आ रही है कहानी, सारे के सारे उधर यही है, ये भी बायलेटरली ये भी ट्रिप्लो है ये भी वही है, ठीक है। यहां पर आप देखो मोलस्का का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है एंड किडनी लाइक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन, किडनी ये भी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है, इनके पास एक फूट है जो कि इनको मूव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखो यहां पर क्या याद रखो, ये जो ऑक्टोपस है और पाइला है ये काय में आते हैं, मोलस्का में आते हैं, बस इतना याद रखो, जो ऑक्टोपस है वो मोलस्का में आते हैं। अब ये उतना मोलस्का इंपॉर्टेंट नहीं था, मगर इकाइनो डर्मेटा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी कांटे, डर्मा का मतलब होता है स्किन, तुमने सुना होगा डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन के डॉक्टर, तो इनकी जो स्किन है वो कैसी होती है, स्पाइनी होती है, इकाइनो डर्मेटा, स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सीलम होती है। अब ये एक लाइन इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर इनका एक हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर होता है जो कि ऐसा स्केलेटन के लिए यूज करता है, इकाइनस, इकाइनस एक इनका एग्जांपल है। अब आखिरी आता है प्रोटोकॉर्डेटा, इनको प्रोटोकॉर्डेटा पता क्यों कहा जाता है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलम है। एक बात मैं आपको बताऊं, तुमको बायलेटरली सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक की तो झंझट याद करनी नहीं है, क्यों, क्योंकि मोस्टली इसमें से बायलेटरली सिमेट्रिकल है, मोस्टली ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बस आपको एक फीचर जो मैं बता रहा हूं वो याद करना है। अब ये इतनी कहानी लिखी हुई है, ठीक है, ये इतनी कहानी, बस आपको कंसेप्चुअल नॉलेज लेके वो है कि नोटोकॉर्ड क्या होता है। नोटोकॉर्ड एक लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्ट है जो कि एनिमल के पीछे होती है,
ठीक है, एक ये क्या करती है, नर्वस टिश्यू को सेपरेट करती है गट से, ये है इट प्रोवाइड्स प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच फॉर ईज ऑफ मूवमेंट, मतलब आपका मूवमेंट अच्छा खासा हो सके उसलिए मसल्स प्रोवाइड करती है। बस ये नोटोकॉर्ड डेटा के बारे में बता रहा है कि नोटोकॉर्ड क्या होती है। जो प्रोटोकॉर्ड डेटा है इनके पास हो सकता है मे नॉट हैव अ प्रॉपर नोटोकॉर्ड हर स्टेज पर जरूरी। इसका एग्जांपल याद कर लो बस आप बेलेनोग्लास, एक ये एग्जांपल याद कर लो और बस इतना याद रखो कि नोटोकॉर्ड होती है, बात खत्म, बस दो चीजें याद रखो। अब आता है वर्टिब्रेटा, आखिरी है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में वर्टिब्रल कॉलम होती है जिसको बैकबोन कहा जाता है, इनके पास बैकबोन होती है एज एन इंटरनल। ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल डिप्लो, भैया ये मजाक हो रहा है क्या? बिल्कुल मजाक हो रहा है, क्योंकि मैंने इस तरीके से चीजें यहां पर बनाकर रखी है इसलिए आपको लग रहा है मजाक हो रहा है। सिलोमेट है, प्रॉपरली इनकी सीलम होती है, बस इनके पास वर्टिब्रल कॉलम होती है वर्टिब्रेटा के साथ। ये आखिरी है, देख लो यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। एनिमल देखो, आप मोस्टली काय के ऊपर ध्यान देना, मैं आपको बताऊं। देखो आप एक प्लांट याद कर लेना बढ़िया तरीके से, प्लांटी के डिविजन, और दूसरा आप ये जो वर्टिब्रेट बता रहा हूं ये याद कर लेना। एनिमल थोड़ा देख के चले जाना, बाकी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है पिसेस, पिसेस में सारी फिशेस आ जाएंगी, फिशेस एक्वाटिक है, आपने देखा होगा कोई भी मछली है उसके ऊपर ऐसे स्केल्स बने हुए हैं, प्लेट्स बनी हुई है। ये ऑक्सीजन कैसे लेती है? गिल से लेती है। इंपॉर्टेंट पता है यहां पर क्या है? ये देखो एक चीज तुमको पता चलेगी, ये भी कोल्ड ब्लडेड, ये भी कोल्ड ब्लडेड, ये भी कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, और आखिरी के ये जो दो हैं बस ये वार्म ब्लडेड है। यहां पर ये कोल्ड ब्लडेड है और इनका टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, जैसे टूना, रोहू, शार्क, मैंड्रेड फिश, लायन फिश, और ये अंडे देती है। अब एम्फीबियंस की यदि अपन बात करेंगे तो ये दोनों जमीन और लैंड पर रहती है, ठीक है, इनका थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। थ्री चैम्बर्ड हार्ट है कौन का? एम्फीबियंस का। देखो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ये जो एम्फीबियंस है इनका थ्री चैम्बर्ड हार्ट है और ये कोल्ड ब्लडेड है। ये रेस्पिरेशन कैसे लेती है? जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रॉग, ऑलरेडी बता दिया था इनके पास गिल्स भी है, लंग्स भी है, दोनों है। हाइला टोड ये उसके एग्जांपल है, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है और अंडे देते हैं दोनों के दोनों, पिसेस और एम्फीबियंस। अब सुनो इंपॉर्टेंट बात, जितने भी रेप्टाइल्स हैं ये कोल्ड ब्लडेड हैं और इनका थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, मगर सुनो एक रेप्टाइल ऐसा है जिसका थ्री चैम्बर्ड हार्ट है और कोल्ड ब्लडेड है, थ्री, वो है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ऐसा है जो कि रेप्टाइल में आता है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट ना होकर फोर चैम्बर्ड हार्ट है और कोल्ड ब्लडेड है, अंडे देता है मगर इसकी टफ कवरिंग के साथ, है ना, पान नॉट इन वॉटर, इसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके जो कि फिश के ऊपर थे, लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं जैसे कि स्नेक्स, सांप हुआ, टर्टल हुआ, कछुए हुए, लिजर्ड हुए, क्रोकोडाइल हुए, ये सारे के सारे। अब आने वाली दो चीज बहुत ईजी है, एवीज में सारे के सारे बर्ड्स डाल दो, जितने भी पक्षी हैं वो काय में आते हैं? एवीज में, सारी की सारी मछली फिशेज में, सारे के सारे रेप्टाइल्स रेप्टाइलिया में। अब ये देखो यहां पर एक कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी, वार्म ब्लडेड, फोर चैम्बर्ड वार्म ब्लडेड। मैंने आपको एक चीज क्या बोले थे, सारे के सारे ह्यूमंस काय में आते हैं? मैमेलिया में, बर्ड्स यहां पर। तो इतनी देर से मैं चिल्लाते आ रहा हूं पुराने सेशंस में, बर्ड्स और ह्यूमंस में एक चीज कॉमन है, कई चीजें कॉमन है, हमारे पास दोनों के पास लंग्स है रेस्पिरेशन के लिए, ये दोनों के दोनों वार्म ब्लडेड है, दोनों के दोनों फोर चैम्बर्ड हार्ट है, है ना, ये एग देते हैं, ये इधर एग नहीं होता है। सुनो ये इनके पास फेदर्स होते हैं और दो फोर लिम्स होते हैं, ये लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। अब यहां पर इनके जो स्किन है उसमें हेयर्स होते हैं, किसमें? मैमल्स में, स्वेट और ऑयली ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन, कैट, रैट, वेल, वेट। बात खत्म भाई, सेशन यहीं पर खत्म हो गया, है ना, पूरा का पूरा सेशन यहीं पर मैंने आपको खत्म करवा दिया है। बढ़िया तरीके से याद कर लेना, है ना, इसका एक बार मेरे लिए एक बार इसका नोट्स बनाना, और नोट्स बनाने के लिए तीन और चार बार इसको रिविजन कर लेना, इसका रिविजन कर लेना, आप कर लोगे सारे के सारे आपके पीवाई क्यूज हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर आपका जो कि पूरा का पूरा बायो है मैंने खत्म करवा दिया है, दो बचे हुए जो उनके नोट्स में दे दूंगा उसको, एस सच इतना बड़ा सेशन लगता नहीं है, मैं आपको नोट्स कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आपका बायो यहीं पर खत्म, पूरा का पूरा बायो खत्म करवा दिया है, बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, ठीक है, एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाला आपको कंटेंट प्रोवाइड करा है, हाई लेवल कंटेंट बढ़िया प्रोवाइड करा है, चीजें याद करवाई हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।